हेलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे काम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही हमें करने हैं। बस है ना, बातें बहुत करनी पूरी साल भर। इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए ट्रांसपोज ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज ऑफ ए इज। तो इसमें मैंने फिल्म दबक लगा दिया है। इसमें चार ऑप्शंस हो सकते हैं, पूछ सकता है कि जी सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों है, कौन सी है कौन सी नहीं है। तो आपको बस चेक करना है कि है कौन सी, जो आपका आंसर आएगा वो टिक मार देंगे, ठीक है ना। तो 1 मिनट के लिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, आप लेट कर लीजिए कि ये टी है ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये ऐसे है। अब अगर मैं दोनों तरफ का ट्रांसपोज कर दूं, इधर का भी और इधर का भी ट्रांसपोज कर दूं, तो क्या ये इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा और बी ए डैश इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आपने उल्टी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिवर्सल लॉ, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए, उल्टा लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे बोलिए, ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा बी ए का ट्रांसपोज माइनस ए बी का ट्रांसपोज। इसमें से अगर मैं माइनस एन कॉमन ले लूं तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, यही आ जाएगा ना। और देखो ये पूरा पूरा क्या था हमारा, पी था, माइनस पी आ गया, यानी कि पी को ट्रांसपोज करने से माइनस पी आ रहा है। ये पक्का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। चार ऑप्शन आपको दे सकता है वो, और पूछ सकता है कौन सी है, तो आप उसमें बता देंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 8 है, तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। इसका सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला था, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस पावर एन माइनस वन। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 8, एन का मतलब ऑर्डर, कितना ऑर्डर था इसका, 3 माइनस 1 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, इसमें से इसने एक्स की वैल्यू पूछी हुई है, देखिए जरा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, इसमें से डिटरमिनेंट ओपन कर दो बस, ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, ये तो जीरो हो गया, इसको उधर शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ ए इज अ टू रूट स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 है, देन ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, आई एन का मतलब एन फॉर ऑर्डर, लेकिन यहां पर ऑर्डर तो 2 है, दो रो वाली है, तो आई 2 लिख देंगे। तो ए इंटू एडजेंट ऑफ ए का जो आंसर आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज 6, आई 2 का मतलब 1001, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 6006, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे वो। ये देखिए, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ऑर्डर कितना है इसका, एन 3 है, और ये आपसे पूछा है, तो सारे बच्चों को पता है हमें इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। इसे 1 मिनट के लिए ए मान लो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा ए क्यू की होल पावर कितना बोलो, एन माइनस वन का मतलब कितना, एन ऑर्डर कितना था 3, तो 2 हो गया, तो ए की पावर 6 हो गया, आ गया कि नहीं आ गया, दिस इज द आंसर। डिटरमिनेंट लगा दो, डिटरमिनेंट का साइन ऐसे करके, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 6, डिटरमिनेंट की वैल्यू इसने दी नहीं है, अगर देता तो उसकी पावर 6 लगा देते, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, इफ बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी कितना निकलेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जब कोई पूछ ले तो आप उसे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं, सेपरेट सेपरेट कर दो, अलग अलग करके लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से, बोर्ड के पेपर है ये, स्कूल की एग्जाम नहीं है, बी सिंसियर एंड सीरियस, ओके ना। और पक्का आपको सब कुछ आता है, बस आप ढंग से रिवाइज कर लेंगे ना, मन लगा के पढ़ लेंगे ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा, मुझे आपका कॉन्फिडेंस है, आपको भी होना चाहिए अपने ऊपर, ठीक है ना। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ किसकी, बी इनवर्स
ए बी, तो कितना आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, ठीक है ना। एमसीक्यूज की फॉर्म में है सारे क्वेश्चंस, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, ऑप्शन तो टिक मार देना। एक प्रॉपर्टी की तरह याद रखना, एक प्रॉपर्टी की तरह याद रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा जीरो होता है। अगर हम किसी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो कितना आंसर आएगा, जीरो, क्योंकि उसके डायगोनल सब जीरो होते हैं, और आपको पता है जब डायगोनल जीरो होंगे तो ओपन करके जीरो ही आएगा। ये क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है, देन आई माइनस ए का क्यूब प्लस ए, है ना, आई माइनस ए का क्यूब प्लस ए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे इसको देखिए जरा, आपको i माइनस ए का क्यूब प्लस ए की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे, a माइनस बी का क्यूब करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और प्लस का a तो आपके पास है ही है, ठीक है ना। i क्यूब, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो क्यूब हो चार पावर हो i ही रहता है, तो इसका मतलब ये i ही रहेगा। और ए क्यूब को कैसे निकालेंगे बोलो, ए क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू ए करना पड़ेगा, है ना, माइनस ये आई का स्क्वायर तो आई होगा, और जब आई का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल थ्री ए बचेगा, और प्लस ये थ्री आई है और ये ए स्क्वायर है ना, तो थ्री आई, अब आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर ही रहेगा और ये प्लस का ए। अब आप जहां भी आपको ए स्क्वायर देखा जाए वहां पर ए लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है, तो आई ए स्क्वायर का मतलब ए और ये ए माइनस का थ्री ए प्लस का थ्री ए और ये ए, ये ए, ये ए कट गया, तो आई माइनस ए इंटू ए ए स्क्वायर और प्लस का ए बचा, ठीक है आई। अब ए स्क्वायर को फिर दोबारा से ए लिख सकते हैं और फिर ये भी कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल आई बचेगा, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको। सबको समझ में आ गया ना, अब देखो जरा ये है ना, इसको सॉल्व करना है तो a ये दे रखा है, थीटा की वैल्यू 0 टू पाई के बीच में, आपको डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है, ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकलेगा बताओ, ठीक है देखिए जरा, डिटरमिनेंट ऑफ खोल लो इसे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया, 1, 1 के लिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा के लिए ये भी छोड़ो और ये भी छोड़ो, तो माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा प्लस वन के लिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, वन प्लस साइन, इन दोनों का साइन स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, ये भी वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो देखो जी तो दोनों कैंसिल हो गए, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्वाइस ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये पूछ रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो है कितनी, है ना, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, मतलब किस रेंज में आ रही है वो निकाल के दिखाना था, तो थीटा दिया हुआ है ना इसलिए, तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा माइनस वन और प्लस वन के बीच में होती है, लेकिन जब हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब वो जीरो से लेके वन के बीच में आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ, तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, पूरे वन वन प्लस कर दो, यहाँ भी वन और ये वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ वन प्लस कर देंगे तो टू हो जाएगा, है ना, ऐसा बनाना है, टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू का इधर मल्टीप्लाई कर दो और टू का इधर मल्टीप्लाई कर दो और टू का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो टू लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या की वैल्यू है, ये वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, और ये कितना आंसर आ गया इतना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमारा इधर आएगा 2 से लेके 4 के बीच में, ये है, ये ऑप्शनल था तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, बस सीधे आंसर निकाल दिया कि इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, उसका डिटरमिनेंट इतना आएगा, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना, ओके। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट साइन इनवर्स साइन माइनस 600 डिग्री एटीएफ का, है ना, तो क्या लिखेंगे बोलो, साइन इनवर्स
साइन इसे थीटा मान लो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है सबको पता है ना, 600 डिग्री यही हो गया ना, यही हो गया ना। तो ये होगा साइन इनवर्स, माइनस तो लगा रहने दो, अब केवल साइन 600 से बात करते हैं। तो साइन 600 का मतलब प्लस 60 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 11th क्लास की तरह कर रहा हूँ मैं, 11th क्लास में नहीं किए थे हमने, 11th क्लास में देते है ना। तो कैसे करेंगे वो लोग, साइन मैंने 600 को लिख दिया 90 × 6 + 60 जैसे 11th में करते थे, ठीक है ना। तो माइनस तो लगा हुआ है ही है, सबसे पहली बात ये इवन नंबर है तो साइन का साइन ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा हुआ देखिए जरा, 90 × 6 क्वाड्रेंट, 4, 5, 6 क्वाड्रेंट चले, प्लस 60 और है तो कौन से में आ गए, थर्ड वाले में होता है माइनस साइन लगा दो, और जो एंगल लिखा है वो एंगल लिख दो 60 डिग्री, ठीक है ना। और ये माइनस हो जाए, माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गया, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन इनवर्स तो साइन कैंसिल हो जाएगा केवल 60 डिग्री, चाहे तो हम इसे पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। आ गया कि नहीं आ गया सबको समझ में, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे देखिए, टेन इनवर्स 2 cos 2 × इसको देखो केवल साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है साइन के टेबल में 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है, लेकिन याद रखिए वो एंगल माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स की ये होती है, ठीक है ना। तो 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, पाई बाई 6 हो गया, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 2 cos π/3 आ गया। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 cos π/3 cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 60 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4, ओके। ये क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स ये, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो जरा, है ना, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये तो टेन इनवर्स है ही है, माइनस का 1/√3, ये टेन 5π/6 की वैल्यू होती है, टेन 5π/6 की वैल्यू होती है, और ये हो गया cot इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं, ये cot 60 की वैल्यू है पाई बाई 3, ठीक है, और ये हो गया tan इनवर्स, और ये कितना हुआ sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा माइनस का पाई बाई 2, ठीक है, तो है ना, ठीक है। अब ये कितना हुआ tan इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, है ना, 5π/6 ही तो बचेगा, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे तो डायरेक्ट पाई बाई 3 लिख देंगे आप cot इनवर्स, और ये कितना बचेगा, ये होगा tan इनवर्स माइनस 1 आ गया ना। तो अब ये कितना हुआ tan इनवर्स, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan पाई बाई 6, और ये कितना हुआ पाई बाई 3, और ये कितना हुआ प्लस प्लस tan इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस तो है ये 1 कॉम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 1 ही तो होता है, ठीक है, ठीक है। अब इस पूरे को चेंज करो, इस पूरे को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स हम इसे लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 6, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, यही आ जाएगा, और ये कितना हो गया माइनस का पाई बाई 3, और ये कितना होगा, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, tan इनवर्स कितना tan माइनस का पाई बाई 4, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा सब कट जाएंगे, कितना आया बोलो, माइनस का पाई बाई 6 पाई बाई 3 और माइनस का पाई बाई 4, ठीक है सर, एलसीएम ले लो इसका, कितना आ जाएगा 12, ये दो बार कट जाएगा माइनस 2π, ये 3 टाइम्स कटेगा 3π, और ये 3 टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स कटेगा 2π, ये 4 टाइम्स कटेगा 3 4, और ये 3 टाइम्स कटेगा 3π, तो ये बचेगा 0 to 5 माइनस का π/12, ठीक है सर। ये क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर tan 1 और tan इनवर्स 1, tan 1 और tan इनवर्स 1 में कौन ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे इसका आंसर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है पूछ सकता है, देखिए 1
बड़ा होता है पाई बाय 4 से, ये आपको पता है पाई का मतलब कितना होता है? 3.14 अपॉन 4 करेंगे तो 1 ही बड़ा आएगा ना, 1 बड़ा आएगा ना, ठीक है। तो tan 1 बड़ा होगा tan पाई बाय 4 से, ठीक है ना। तो tan 1 बड़ा होगा, tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि tan 1 1 से बड़ा है। और अभी अभी आपने बोला था ये वाली बात कि 1 पाई बाय 4 से बड़ा है, तो इसको और इसको देखो जरा, tan 1 तो 1 से बड़ा है और 1 पाई बाय 4 से बड़ा है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? tan 1 बड़ा है 1 से और 1 बड़ा है पाई बाय 4 से, ठीक है ना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, tan 1 बड़ा हो गया 1 से और 1 बड़ा हो गया पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब tan इनवर्स 1, तो tan 1 1 से बड़ा है और 1 tan इनवर्स 1 बड़ा है। तो इन दोनों को मिला के हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं, याद रखते रहिए साहब, ये वैल्यू निकालनी है ना। एक फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, अगर आपसे कोई cos इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू पूछे, है ना, cos इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू पूछे, तो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला होगा, इसे याद रख लीजिए, ठीक है ना, याद रख लीजिए। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, कितना आंसर आएगा? ये हो गया sin इनवर्स 1/3 माइनस, इसको जब मैं तोड़ूंगा इसको, इसे cos इनवर्स माइनस थीटा मान लो, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/3 यही हो जाएगा। अभी जरा ब्रैकेट खोलो, 1/3 माइनस का पाई और प्लस cos इनवर्स 1/3। आप सीधे डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि 1/3 किसी एंगल की वैल्यू नहीं होती, 1/2 1/√2 ऐसे कुछ आता तो आप निकालते, 1/3 का क्या निकालोगे, तो इसलिए ये अलग तरीके से करना होगा। अब इसको देखिए और इसको देखिए, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 हमने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई और प्लस का पाई बाय 2, दैट इज माइनस का पाई बाय 2, दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, समझ में आता जा रहा है सबको, बोलते जाया करो। ये एक अच्छी सी वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने वीडियो पॉज करके पहले आपके लिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, ये डायग्राम भी बनाए हैं क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए लिखना होगा, तभी आपको समझ, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कैसे समझ में आएगा, है ना। तो इतना बड़ा पूरा पहले मैंने लिखा है, अब ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि श्रवण इज अ न्यूट्रिएंट, एक न्यूट्रिएंट है जो लोगों को न्यूट्रिएंट्स देने वाला, जैसे डॉक्टर होता है ना, दवाइयाँ बताता है, ये वाली इतनी खाना, ये वाली इतनी खाना, आधी गोली ये, दो गोली वो मिला के खाना, ऐसे। तो न्यूट्रिएंट ऑरेंज जूस, बीटरूट जूस और कीवी जूस, उसको ऑरेंज जूस को, बीटरूट जूस को, कीवी जूस को मिक्स करना है। कह के लिए मिक्स करना है, दैट कैन प्रोवाइड 1860 mg ऑफ विटामिन सी, इतना तो विटामिन सी मिल जाए, 22 mg ऑफ आयरन मिल जाए, 760 mg ऑफ मिल जाए, इसलिए वो इन तीनों को मिलाना चाहता है ना, क्योंकि ये ऑरेंज जूस है, इसमें सारे सारे ऑरेंज के ही न्यूट्रिएंट मिलेंगे, विटामिन सी मिलेगा बहुत सारा, है ना, हमें कैल्शियम भी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो कैसे मिलेंगी, तो उसने क्या किया, इन तीनों को मिक्स कर दिया, है ना। तब तीनों को मिक्स कर दिया, तो अब इसको इतने 1860 mg का विटामिन चाहिए, विटामिन सी, इतने mg आयरन, 22 mg आयरन चाहिए, 760 mg ऑफ कैल्शियम चाहिए। तो ये कह रहा है कि मैं इसको और इसको और इसको कितना कितना मिक्स करूं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ईच जूस श्रवण शुड ऐड टू इन टू द मिक्सर, तो इसको मिक्सर में कितना सारा ये सब मिक्स करना चाहिए कि उसकी ये सारी चीजें पूरी हो जाए। अब एक जो पैकेट है, इस पैकेट में क्या है, जो पहले वाला पैकेट था उसमें विटामिन सी 500 मिलीग्राम पर लीटर है, यानी कि एक लीटर में 500 मिलीग्राम, और आयरन 2 पर लीटर है, कैल्शियम 100 मिलीग्राम पर लीटर है, ये ऑरेंज जूस वाले पैकेट का हिसाब है। ऐसे ही बीट रूट वाले में क्या है, बीट रूट वाले में वो सब ग्राम पर लीटर है, सब मैंने लिखा नहीं है, है ना, 20 मिलीग्राम पर लीटर इसमें विटामिन सी है बीट रूट वाले पैकेट में, और 5 मिलीग्राम पर लीटर इसमें आयरन है, 120 मिलीग्राम पर लीटर। ऐसे कीवी वाले पैकेट में ये
ये विटामिन सी हो गया, ये आयरन हो गया और ये कैल्शियम हो गया, मिलीग्राम पर लीटर है सब कुछ, ठीक है बच्चों, सब कुछ मिलीग्राम पर लीटर है। तो ये कह रहा है कि अब इतने सारे आपको मिलीग्राम चाहिए तो ये कितना कितना मिक्स करना पड़ेगा। अगर वो चाहे केस स्टडी भी बना के आपके सामने रख सकता है कि भाई ये केस स्टडी बन गया, अब इसको सॉल्व करो, है ना, तो अच्छा खासा केस स्टडी भी बना सकता है इसके ऊपर वो। तो ध्यान से सुनिए, आप मान लीजिए लेट ही शुड एड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लीटर्स रेस्पेक्टिवली ऑफ किसके, एक तो ऑरेंज जूस के, ऑरेंज जूस कॉमा बीट रूट जूस और कीवी, बीटरूट जूस एंड कीवी जूस। समझ में आ गया बेटा सबको? अब आप इसकी इक्वेशन देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। आप पहले ऑरेंज जूस की बात करिए, ऑरेंज जूस आपने एक्स लीटर लिया है, बीटरूट जूस आपने वाई लीटर लिया है, कीवी का जूस आपने जेड लीटर लिया है। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं ऑरेंज जूस एक लीटर लेता तो मुझे 500 ग्राम विटामिन सी मिलता, लेकिन मैंने तो एक्स लीटर लिया है। जब एक लीटर में 500 मिलीग्राम है तो एक्स लीटर में कितना होगा, 500x, यही तो होगा। अब इसकी बात करिए बीटरूट जूस की, बीटरूट जूस मैंने वाई लीटर लिया था, एक लीटर में 20 mg मिलते हैं तो वाई लीटर में कितने मिलेंगे, 20 mg, 20y। अब इसकी बात करिए, ये मैंने Z लीटर लिया है, एक लीटर में 800 मिलीग्राम है तो Z लीटर में कितने मिलेंगे, 800Z। इतना सारा विटामिन सी मिल जाएगा, इतना सारा इसमें से, इतना सारा इसमें से और इतना सारा इसमें से, और सारा का सारा जो विटामिन सी होगा वो ये होगा 1860 मिलीग्राम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात करिए, आयरन की बात करते हैं, आयरन की बात करना। पहले वाले में यानी कि ऑरेंज वाले में जो मैंने एक्स लीटर लिया था तो इसमें एक लीटर में 2 मिलीग्राम आयरन होता है, तो एक्स लीटर में कितना हुआ, 2x, है ना। अब इसकी बात करिए बीटरूट एक लीटर में 5 मिलीग्राम आयरन होता है, लेकिन मैंने वाई लीटर लिया है तो कितना हो गया, 5y। अब इसकी बात करिए, एक लीटर में 3 मिलीग्राम इसमें आयरन होता है, लेकिन मैंने जेड लीटर खरीदा था तो कितना हो गया, 3z, और ये सारा मिला के कितना आयरन मिल गया, आयरन दिस इज 22 mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसी तीसरी क्वेश्चन बनाइए, थर्ड इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग बनेगी बताओ, थर्ड इक्वेशन बनेगी इसके अकॉर्डिंग, कैल्शियम के अकॉर्डिंग। कैल्शियम देखिए, जो पहला वाला जूस था मैंने एक्स लीटर लिया है, एक लीटर में 100 मिलीग्राम है तो एक्स लीटर में कितने हुए, 100x। ऐसे ही इसको लिखो, एक लीटर में 120 मिलीग्राम तो वाई लीटर में कितने, 120y। एक लीटर में 200 mg तो जेड लीटर में कितने, 200z इज इक्वल टू कितना, सारा मिला के कितना, 760 मिलीग्राम कैल्शियम था, 760 मिलीग्राम कैल्शियम था। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब ये इक्वेशंस बन गई हैं आपकी, अब ये तीनों के तीनों इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब ये इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, अब इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिए, देखिए ऊपर का मैंने रफ कर दिया, ये राइटिंग इन द मैट्रिक्स फॉर्म, है ना। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको बोलो, एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम, इधर कैसे बनाएंगे बोलो, मैट्रिक्स कैसे बनती है, 500, 20, 500, 20 और 800, 253, और ये कितना, 100, 120 और ये 200, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, XYZ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो बच्चों, ये 1860, 22 और 760, यही लिखेंगे ना, अरे यही तो लिखेंगे भाई, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। आ जाइए अब, फॉर्म कौन सी बन गई है हमारी, फॉर्म कौन सी बन गई है बोलो, AX इज इक्वल टू B वाली। तो जब हम X निकालेंगे तो हमें A इनवर्स पड़ेगा, वेयर A कौन है, ये हमारा A है और ये हमारा X होता है, और ये हमारा क्या होता है,
बी होता है, सबको पता है कि नहीं पता है। अब आपको एक्स का इनवर्स निकाल के बी का मल्टीप्लाई करना है, एक्स का इनवर्स बी का मल्टीप्लाई करना है, ए कौन है ये वाला, आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो अब आप बिल्कुल शांति से इसका इनवर्स निकालेंगे और इसको सॉल्व करके अपने आप से इसका आंसर निकालना। कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, लंबा क्वेश्चन है नहीं तो ये क्वेश्चन अकेले 15 मिनट ले जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए बस यहाँ तक इतना मैंने सॉल्व कर दिया। इसके आगे आपके पास सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है इसका, आपको इसका इनवर्स निकालना है, यानी कि जो आपका ए है कितना था ये वाला 520 और 800, ये 2 ये 5 और ये 3, ये 100 ये 120 और ये आप इसका इनवर्स निकाल लेना। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स आपको पता ही है, 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजेंट ऑफ ए करके आपको आंसर बता दे रहा हूँ मैं इसका, जिससे कि आपको सॉल्व करने में इसकी हेल्प मिल जाएगी, सॉल्व करके आप इसके आंसर्स निकाल पाएंगे। दैट इज 2 लीटर 3 लीटर और 1 लीटर, मैंने सॉल्व कर लिया था इसको पहले आपके लिए, बट पूरा अभी उसको आगे पूरी कैलकुलेशन कर लेना आप इसकी, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं आपको अच्छे से पता होता है, एक्स इक्वल टू आप ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं, है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए, टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख देंगे, ए साइन थीटा और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब कितना, ए स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा बेटा टेन इनवर्स ए साइन थीटा, इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो, बचेगा ना, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बाहर निकलेगा कॉस थीटा रह जाएगा, ए से कट गया, तो टेन इनवर्स और ये कितना रह गया टेन थीटा, यानी कि थीटा रह गया, है ना। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी निकलेगी बोलो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है ना, तो दिस इज द आंसर। देखो आगे वाला क्वेश्चन, ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्सेस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा वाला सही नहीं है वो चांटना है, मतलब गलत वाला चांटना है, कोई इनमें कौन सी बात गलत लिखी हुई है, तो सबसे पहली बात ये चेक करनी पड़ेगी सबको एक एक, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बस डायरेक्ट उठाया टिक मार दिया, पापा का नाम क्या है वो तो आप बता देंगे कौन सा है, अब जब बोले कि इनमें से कौन से पापा नहीं है तो वो छानने पड़ेंगे शक्ल, सबकी एक एक की जा जाके शक्ल देखनी पड़ेगी ना कि कौन से वाले हैं भाई हमारे हैं कि नहीं, तो वही कंडीशन इसमें भी है, तो इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको ये चेक करना है इनमें से कौन सा वाला ठीक नहीं है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर मैं यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की और जो गलत है वही सही है क्योंकि इसने गलत वाला ही पूछा था, तो यानी कि जो सही ऑप्शन है वो ये, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आ गया कि नहीं आ गया बताइए, आया ना, दिस इज द राइट आंसर, समझ में आ गया बेटा सबको, तो ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है ये गलत है, उसने गलत वाले ही पूछा था ये कौन सा सही नहीं है, तो मतलब यही सही नहीं है, यही हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है कि नहीं ठीक है। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इनटू ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है, कॉमन सेंस की बात बताइए, कोई भी मैट्रिक्स जब सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो पक्का उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, कैसे पता चलता है सिंगुलर है, डिटरमिनेंट कितना होगा जीरो, ये सिंगुलर है इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा जीरो, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा 2x माइनस माइनस 6, तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, tan स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या फॉर्मूला पढ़ा है बताइए, आइडेंटिटी पढ़ी है ना, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो वैसे ही कर रहा हूं, ये इसे थीटा मान लो tan स्क्वायर थीटा है, तो इसे मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं ना, sec स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब ये और ये माइनस का 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cosec स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब cosec इनवर्स 3 और माइनस 1, यही तो हो गया है ना। अब इसको जरा सॉल्व करो, देखो
हम sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec थीटा का होल स्क्वायर, वो एक ही बात है ना। तो ऐसे ही इसे थीटा मानो, sec स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ऐसे क्या लिखेंगे, cosec और cosec इनवर्स 3 का होल स्क्वायर और ये माइनस 1, ऐसे तो लिख देंगे है ना। तो देखो sec और sec इनवर्स कट जाएंगे, ये रह जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये कट जाएंगे ये 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 9 माइनस 1, ठीक है ना। अब ये कितने बनना चाहते थे, 13 में से 2 का कितने बचे, 11। अगला क्वेश्चन ये है, a ये दे रखा है a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a i के बराबर है, तो आपको फाइंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो आपको कंडीशन दे रखी है a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू i, तो पहले a लिखिए, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा और ये cos अल्फा, प्लस ट्रांसपोज ऑफ a करिए, a को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा और ये cos अल्फा इज इक्वल टू i का मतलब 1 0 0 और ये 1, तो ऐड करिए जरा कितना हुआ, cos अल्फा 2 cos अल्फा, sin अल्फा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना होगा 1 0 0 1 होगा ऑन कंपेयरिंग 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3, नहीं आया दिमाग में बेटा, ठीक है। अब a की वैल्यू ये रखिए, अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, a इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब a इनवर्स का आंसर आ सकता है, आपको पता है a इनवर्स का आंसर कब आता है, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/ डिटरमिनेंट ऑफ a * एग्जिस्टेंट ऑफ a, तो जब डिटरमिनेंट 0 ना हो तब इनवर्स निकलता है, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब पक्का इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, पक्का इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि जब डिटरमिनेंट 0 नहीं होता तभी इनवर्स निकल सकता है। अरे इनवर्स निकालते थे ना, तो 1/ डिटरमिनेंट ऑफ a * एग्जिस्टेंट ऑफ a करते थे, सबसे पहले डिटरमिनेंट ही तो निकालते थे उसका, डिटरमिनेंट निकालते थे ना और हम देखते थे कि डिटरमिनेंट 0 नहीं है मतलब मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, तो उसका आंसर आता था, इनवर्स निकलता था है ना। तो डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, बोलो कितना आंसर आएगा 2, ये छोड़ो कितना हुआ 6 माइनस 5 माइनस लैम्डा, ये छोड़ो 0 माइनस 5 और माइनस 3 0 माइनस 2, ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये 2 और ये प्लस का 5 लैम्डा और ये कितना हुआ बोलो, प्लस का 6, यही तो हुआ, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कितना निकलेगा 5 लैम्डा प्लस का 8 नॉट इक्वल टू 0, देन लैम्डा नॉट इक्वल टू माइनस 8/5। ये एक ये क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स कॉस, देखो जैसे लेवल में करते थे वैसे करते, देखो आप ऐसे 6π और 3π/5 33 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे क्यों लिखा, जैसे 11th में करते थे उसी तरीके से करने के लिए, उस तरीके से कैसे करते थे बताओ, 90 × 12 + 3π/5 ऐसे तो करते थे, 90 कितना 6π हो गया, 6π हो जाए इवन नंबर है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बताओ, 4, 8, 12 प्लस ये, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आया ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, कितना रहेगा बोलो 3π/5 रहेगा, आ गया कि नहीं आ गया बताइए, तो इसे लिख देंगे साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कि पाई बाय 2 माइनस 3π/5, ठीक है। तो अब जे इसको एलसीएम लेकर लिख दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 5/2 और 3π/5, एलसीएम ले लेंगे 10, ये हो जाएगा 5π माइनस ये हो जाएगा 6π, तो दैट इज माइनस का π/10, दिस इज द आंसर। सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया,
प्लीज़ बच्चों बहुत ढंग से करते जाइए, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं आपके, हमसे जितना हो पा रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं, बट जब तक आप ढंग से नहीं करेंगे मार्क्स कभी नहीं आएंगे, ये याद रखिए। आपको बहुत अच्छे से करना होगा, काफ़ी सारा टाइम पढ़ना होगा, कम से कम 15-16-17 घंटे पढ़ना ही होगा। अरे बोर्ड के एग्ज़ाम है भाई, और कोई काम ही नहीं है आपके पास, पूरा टाइम पढ़ने के लिए ही है। अब ऐसा भी नहीं है कि मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल है और मेरा उसका एग्ज़ाम है, पूरा टाइम फ्री आप पूरा से पूरा ढंग से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ओके।